हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अवतार 2 के टीजर ट्रेलर के बारे में। तो गाइस, इसका टीजर ट्रेलर कल रिलीज कर दिया गया है और आप लोग में से बहुत लोगों ने इसका टीजर ट्रेलर रॉटर इन द मल्टीवर्स मैडनेस की मूवी खत्म होने के बाद सिनेमा हॉल में देख लिया होगा, पर मैंने नहीं देखा था क्योंकि मेरे सिनेमा हॉल में नहीं दिखाया गया था इसका टीजर ट्रेलर। शायद बड़े बड़े सिनेमाघरों में दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई कन्फर्म नहीं कि हाँ बड़े सिनेमा में दिखाया जा रहा है कि छोटे सिनेमा में दिखाया जा रहा है। बस मेरे यहाँ नहीं दिखाया गया था तो मैंने नहीं देखा था, इसलिए कल जब इसका टीजर ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो मैंने देखा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, एक मूवी कैसी होने वाली है, क्या मूवी अवतार से बेटर है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ वीडियो चैनल पर नहीं आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। सो गाइस, टीजर स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बहुत ही बढ़िया विजुअल इफेक्ट्स का नज़ारा। इसमें सब कुछ इतना कलरफुल लगता है कि इसमें आप एक तरह से खो से जाओगे। सारे क्रिएचर्स, नेचर, लोग इतने कलरफुल लगते हैं और इतने बढ़िया लगते हैं कि बस मन करता है कि देखते रहो। एंड वन थिंग गाइस, आप ये मूवी जब आप देखने जाओगे तो प्लीज़ 3D में ही देखना, क्योंकि इस मूवी को देखने का असली मज़ा 3D में ही आएगा। इस टीज़र को आप जब तक देखोगे आपको एक पीस, एक शांति का वाइब आता रहेगा। इसका बैकग्राउंड स्कोर भी इसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है एक पीस और एक शांति की माहौल क्रिएट करने के लिए। और गाइस, जिन्होंने इसका पहला पार्ट देखा है वो तो इस टीज़र को देखने के बाद 12-13 साल पीछे चले जाएंगे, अपने नॉस्टैल्जिया को जीने लगेंगे और याद करेंगे कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने ये मूवी देखी थी तो उन्हें कैसा फील हुआ था। उसी तरह का फील जब ये टीज़र को देखेंगे उस टाइम इनको आएगा। मूवी कम्प्लीट एक जॉय राइड है, मज़ा बहुत ही आने वाला है जेम्स कैमरून के डायरेक्शन को देखने में। नेचर को एक्सपीरियंस करने का, उसे एक तरह से जीने का मज़ा बहुत ही आने वाला है गाइस। इतने कमाल के विजुअल्स को एक्सपीरियंस करने में, वो भी इतने लार्ज स्केल पर, बहुत ही मजा आने वाला है। फिल्म का नाम अवतार द वे ऑफ वाटर है, इसलिए आपको कई जगह वाटर्स और इससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे समंदर, नदियाँ, वाटर भी कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, कुछ क्रिएचर्स अंडर वाटर से निकलते हुए दिखाई देंगे। मतलब वाटर का काफ़ी ज़्यादा अहमियत है यहाँ पे, तभी इस मूवी का नाम द वे ऑफ वाटर रखा गया है। और जहाँ जहाँ ये वाटर को जिस तरीके से दिखाया गया उसे इतना सुंदर और इतना इफेक्टिव दिखाया गया है, इतने अच्छे से उसको, इतना मतलब इतना कमाल का उसको दिखाया जाता है कि वो समुंदर, वो पानी, वो वाटर इतना देखने में इतना खूबसूरत लगता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सब चीज़ें हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाई गई हैं, जो कि आंखों को एक अलग ही एक्सपीरियंस देती हैं। और सच में जब सिनेमा हॉल में हम 3D में देखेंगे तो सच में आंखों को कमाल का एक्सपीरियंस मिलेगा। ओवरऑल मूवी की बात करें तो गाइस, मूवी बहुत ही बढ़िया है और आगे चल के बहुत ही बढ़िया करने वाली है। अब देखना ही होगा कि इसका जो ट्रेलर आता है तो उसमें कितने स्टोरी लोग रिवील करते हैं, क्योंकि टीजर में तो कोई स्टोरी रिवील नहीं किया गया है। बस एक ऐसा कैरेक्टर दिखा है हमें जो इसमें कुछ अलग लग रहा है बाकी लोगों से, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, जानना होगा कि हाँ वो कौन है। इस मूवी का स्टोरी अगर बढ़िया हो तो ये मूवी अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ने से इसे कोई नहीं रोक सकता, ये मूवी अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ने वाली है। मूवी 16 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली इसी साल। तो गाइज, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।